मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई प्रियंका वेलकम टू ऑल ऑन ऑनलाइन साइंस क्लास एट होम। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइट। व्हाट इज लाइट? यस, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी हेल्प से हम अपनी सराउंडिंग्स की सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट वी डिड टू सोर्सेज ऑफ लाइट। देर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड artificial source of light, or you can say man-made. After that, we did about the luminous objects and non-luminous objects. Can you tell me what are luminous objects? Yes, luminous objects can emit their own light, जो अपनी खुद की light को emit करते हैं. Okay? For example, sun, stars, firefly, glowworm, and lantern fish. These are the luminous objects. Okay, and after that we did about the non-luminous objects. Non-luminous objects those objects which can't emit their own light, यानी कि वो object जो अपनी खुद की light को emit नहीं करते हैं. Okay, तो what are those? Those are non-luminous objects, like for example table, chair, marker, duster, board, human beings, we are also non-luminous objects. Okay, now let's start our next topic of chapter number 15, and that is transparent, translucent and opaque objects. Now first of all I'll tell you what are transparent objects. Transparent, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रही है कि जिसमें आर पार हम देख सकें, जिसके अंदर से जो लाइट है वो बिल्कुल क्लियरली पास हो जाए, तो व्हाट आर दोस? दोस आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, एंड आफ्टर दैट ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि जिसके अंदर से लाइट पास तो हो जाए बट कुछ अमाउंट में. ओके, यानी कि जो लाइट है वो क्लियरली पास ना हो के पार्शियली पास होती है, अंडरस्टैंड, जिसके अंदर से हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है. ओके, एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोस ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई हैंड, फॉर एग्जाम्पल मार्कर, तो वट आर दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स. सो ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से लाइट बिल्कुल क्लियरली क्रॉस हो जाती है. ट्रांसल्यूसेंट, जिसके अंदर से जो लाइट हो पार्शियली क्रॉस होती है. एंड थर्ड वन ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर से लाइट क्रॉस नहीं होती है. तो आप ये देखो, तीनों में किसका मेन रोल है? लाइट का. एक ऐसी है जिसके अंदर से लाइट बिल्कुल क्लियरली पास हो जाती है, सेकेंड जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी पास होती है, थर्ड जिसके अंदर से बिल्कुल भी पास नहीं होती है. तो जिसके अंदर से क्लियरली पास होती है ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से थोड़ी अमाउंट में होती है वो ट्रांसल्यूसेंट, और जिसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. नाउ आई एम शोइंग यू व्हाट इज दिस. यस, दिस वन इज ग्लास, और यू कैन सी कि ग्लास के अंदर से बिल्कुल आपको आर पार दिखाई दे रहा है ना, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है अच्छे से. तो व्हाट इट इज? यस, इट इज ट्रांसपेरेंट. नाउ सी व्हाट इट इज, इट इज टिफिन बॉक्स. ओके, एंड नाउ यू कैन सी माय फिंगर्स, दिख रही हैं बट पार्शियली, यानी कि धुंधला धुंधला सा दिख रहा है. देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली हमें दिखाई नहीं दे रहा है. तो व्हाट इट इज? ट्रांसल्यूसेंट. नाउ सी व्हाट इज दिस, इसके अंदर से बिल्कुल भी आपको मेरी फिंगर्स नहीं दिख रही है ना. यस, तो व्हाट इट इज? इट इज ओपेक ऑब्जेक्ट. नाउ आई एम शोइंग यू वन मोर थिंग, अब मैं इनके अंदर पानी डालूंगी, देन यू विल सी जो वाटर है वो आपको क्लियरली दिखाई देता है या नहीं देता. ओके, नाउ सी आई एम पोरिंग वाटर इन ग्लास, देन सी जो वाटर है वो बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, और जो फिंगर्स है वो भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही, मेरा हाथ भी अच्छे से दिखाई दे रहा. तो व्हाट इट इज? जो वाटर है दैट इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, एंड जो ग्लास है दैट इज आल्सो ट्रांसपेरेंट. नाउ आई एम शोइंग यू ओपेक ऑब्जेक्ट, आपको स्टील के ग्लास में दिख रहा है कि कितना पानी इसके अंदर? नहीं दिख रहा ना, और आपको मेरी फिंगर्स तो दिख ही नहीं रही है, यानी कि ना आपको फिंगर्स दिख रही है ना आपको इसके अंदर वाटर दिख रहा, बट इसके अंदर भी वाटर है. ओके, तो व्हाट इट इज? इट इज ओपेक, अंडरस्टैंड. Now I'm showing you in translucent. Now see, in translucent, water आपको दिख रहा है
ठीक है, बट क्लियरली बिल्कुल जैसे उसके अंदर से आर पार आपको मेरी फिंगर्स भी दिख रही थी, बट इसके अंदर से ऐसा नहीं है, तो व्हाट इट इज ट्रांसल्यूसेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलो लाइट टू पास थ्रू देम फुल्ली या क्लियरली, ठीक है, जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, एयर, वॉटर, वॉट आर दीज? दीज आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ आफ्टर दैट ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट अलो लाइट टू पास थ्रू देम ओनली पार्शली, यानी कि कुछ ही लाइट, कुछ अमाउंट में जो लाइट है वो उसके अंदर से पास हो जाती है, तो वट इज दैट? दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। एंड आफ्टर दैट ओपेक, जिसके अंदर से जो लाइट है वो क्या होती है? लाइट कांट पास थ्रू इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसके अंदर लाइट जो है वो क्लियरली पास होती है, इसके अंदर पार्शियली पास होती है, इसके अंदर बिल्कुल भी पास नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके एयर, ग्लास, वॉटर, अंडरस्टैंड, एंड इसके अंदर हो जाता है आपका ऑयल्ड पेपर, या फिर जैसे लंच बॉक्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, ठीक है। आप अपनी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें देखते हो आप उनके ऊपर इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हो। ओके, तो जब आप उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगी इज इट ट्रांसपेरेंट, इज इट ट्रांसल्यूसेंट और इज इट ओपेक। अंडरस्टैंड? नाउ आफ्टर दैट ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक योर बुक, मार्कर, डस्टर, बोर्ड, तो व्हाट आर दीज? दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स लाइक मार्कर, डस्टर, वॉल, यानी कि जिसके आर पार आपको कुछ नहीं दिखाई देता, तो व्हाट आर दोज? वो कौन से होते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, एक्टिविटी 15.1 के अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे और फिर आप उसके अंदर से देखेंगे, देख के आप ये फाइंड आउट करेंगे इज इट ट्रांसपेरेंट, इज इट ट्रांसल्यूसेंट और इज इट ओपेक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल चॉक के अंदर से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, आफ्टर दैट बुक, बुक के अंदर से आपको दिखाई देता नहीं दिखाई देता है, देन पेंसिल, एंड आफ्टर दैट पेन, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, स्केल, पेपर, हैंकरचीफ, जो हमारा हैंकी होता है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट स्कूल बैग, वाटर बॉटल, शर्ट, ट्राउजर, टिश्यू पेपर एंड ग्लास टम्बलर। तो आप इनको देख के, इनके अंदर से आप अच्छे से देखेंगे, अगर आपको दिखता है, बिल्कुल क्लियरली दिखता है, देन यू विल फिल इन द टेबल ट्रांसपेरेंट। ओके, अगर आपको हल्का हल्का दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, देन यू विल फिल ट्रांसल्यूसेंट, और अगर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, देन यू विल फिल ओपेक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नाउ ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।